जय हिंद साथियों, सबसे पहले नवरात्रि के इस महान पर्व पर आप सभी को पूरी टीम की ओर से नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामना बधाई। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बिहार पुलिस रिजल्ट को लेके अपडेट, आखिरकार कब आपका रिजल्ट आएगा, इस पे बात करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथियों, आज बहुत सारे पेपरों में ये चीज दिया है और आप थंबनेल पे भी स्पष्ट देख रहे होंगे पेपर का कटिंग कि इसी माह के अंतिम तक जारी हो सकता है सिपाही भर्ती का रिजल्ट। यानी हमको ये बात पता नहीं है कि इसी माह के अंतिम तक होगा कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन रिजल्ट यदि आप एग्जाम दिए तो परिणाम तो आएगा ही आएगा। लेकिन इसी पेपर के कटिंग में लास्ट में एक चीज लिखा है कि दिसंबर माह में शुरू हो सकती है फिजिकल, वो भी पटना के केंद्रों पर। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी रिजल्ट आ जाती है इसी माह के अंतिम तक या मान लीजिए अगले महीने के फर्स्ट वीक तक, तो आपकी तैयारी कितनी हुई है इस पे थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आप काफी, जब से आप एग्जाम दिए हो ना, तो दो चीजों के लेके काफी चिंतित थे। पहला, आप अपने कटअप को लेकर बहुत सारे वीडियो इधर उधर देखते थे। दूसरा, अपने क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र थे, इसको लेके काफी चिंतित थे कि हम थोड़ा अपना मिला लें। तो बहुत भाई मिला पाए, बहुत नहीं मिला पाए। बहुत लोगों का कटअप देखे भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे। कटअप देखने के बाद भी भरोसा नहीं भी हुआ होगा, ये बात सच्चाई है। अब उसके बाद आपका सेकेंड हो जाता है रिजल्ट। रिजल्ट को लेके बार बार हर दिन आप सर्च करते हैं, बैठे रहते हैं कि कब रिजल्ट आएगा। लेकिन जितना देर आप सर्च करते हैं रिजल्ट कब आएगा, कहिया आएगा, कटअप क्या रहेगा, उससे बेहतर है ना कि ग्राउंड में जाइए और चार चक्कर मार लीजिए, क्योंकि वही चार चक्कर ना आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा, ना कि सर्च करना। इसलिए, क्योंकि रिजल्ट आप एग्जाम दिए ना, तो परिणाम आज नहीं तो कल आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी रहते हैं, जिस भी गांव कस्बों से आप बिलोंग करते हैं, अपने आस पास जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है, रोड ही है, आप तैयारी करो, क्योंकि 1,00,000+ रिजल्ट होगा, 21,391 पद है। साथियों, फाइनली जो सिलेक्शन होगा, जो मेगा सूची के आधार, फिजिकल पे ही आपकी मेगा सूची बनती है, यानी फाइनल मेरिट बनता है। तो मुंह से और वीडियो में आप देखते हैं कि ऐसे करें वैसे करें, एक दिन में इतना फान जाएंगे, 10 दिनों में अपनी टाइमिंग को ऐसे कर्म करें, ये सिर्फ देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप करेंगे ना, तो पता चलेगा कि टाइमिंग घटाना कितना मुश्किल का काम है, ये बात सच्चाई है। इसलिए मैं सारे भाइयों को कहूंगा कि ठीक है, रिजल्ट इस माह के लास्ट तक आए ना आए, ये बोर्ड का काम है। जो सूचनाएं मिलती है उसी आधार पर हम बता रहे हैं। आगे यदि सूचनाएं मिलती है कि इस डेट में आएगा, इस तारीख को आएगा, इस महीने में आएगा, इतना तो भरोसा है कि जो भी बातें बताऊंगा, जो भी जानकारी दूंगा, सही और सटीक हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, रिजल्ट इसी माह में आएगा कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आएगा, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, नहीं पेपर में भी अनुमान लगाया जा सकता है, बशर्ते जो आपका फिजिकल होगा, पेपर में भी ये नीचे लिखा हुआ है स्पष्ट कि दिसंबर माह में शुरू होने की संभावना है। तो सोचिए, यदि इस माह के लास्ट में भी आता है, अगले मंथ के फर्स्ट वीक में भी आता है, तो आपके पास कितना दिन रहेगा कि आप फिजिकल को आप कितना स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए काफी चैलेंजिंग भरा समय आपके लिए आने वाला है। यदि अभी भी आप सोए हैं, यदि अभी भी आप ग्राउंड में नहीं दौड़ते हैं, तो मेरे भाई बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से कहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद ग्राउंड में उतरिए। अक्सर परिणाम की चिंता वो करते हैं जो कायर होते हैं, योद्धा तो युद्ध भूमि में या रण में जब उतरता है ना, तो ये परिणाम की चिंता करता नहीं, वो लड़ता है, जीत होगी नहीं तो कुछ सीख मिलेगी, हार तो होती नहीं है। इसलिए ग्राउंड उतरिए, दौड़िएगा ना, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आता ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ बर्बाद होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा धन है आपका शरीर, आप फिट रहेंगे आज नहीं तो कल आप हिट कर जाएंगे। इसलिए मत सोचिए कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, इसके बाद भी भर्ती है, और भी भर्तियां हैं, लगातार हर स्टेट पुलिस की भर्तियां आ रही है, लगातार सेंट्रल की भर्ती आ रही है, भर्तियां तो आते रहती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल कर रहे कहीं रिजल्ट नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, ये मत सोचिए। ये सोचिए ना कि रिजल्ट हो जाएगा तो फिर हम एक महीने में क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, ये बात सोचिए। इसलिए मैं तमाम भाइयों को, तमाम बहनों को ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, जाइए उतरिए मैदान में, सुबह शाम लगातार मेहनत करिए, जितना होता है, दुए चक्कर हो रहा है, चारे चक्कर हो रहा है,
जितना देर होता है आप ग्राउंड में समय दीजिए, समय व्यतीत करिए, ये टाइम बर्बाद होने वाला आपका नहीं है। बाकी टाइम आपके लिए काफी है पढ़ने के लिए, आप पढ़ाई करिए लेकिन ग्राउंड में जरूर उतरिए। इसीलिए तमाम भाई और बहनों को कहूंगा, जो भी न्यूज में आज पेपर का कटिंग ऊपर थंबनेल में देखे होंगे, मैं कम शब्दों में सारी बातों को रखने का प्रयास करता हूं। और याद रखिएगा, जो भी ऐसी जानकारी आएगी सबसे पहले चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी हमेशा देते आया हूं और आगे भी दूंगा। तो जो भी आज ये जानकारी पेपर में दी गई है, हमारी बातें नहीं है, पेपर में दी गई है इस माह के अंतिम तक, लेकिन हमको ये कंफर्म नहीं है कि इस माह के अंतिम तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपका रिजल्ट अब जल्द आएगा। कहीं ना कहीं ये धुआं जो निकल रही है ना, जो सुलग रही है, कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। इसलिए आप इतना जरूर जानिए कि आपका रिजल्ट जल्द आने वाला है। यदि इस माह के लास्ट तक नहीं भी आया तो फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए एक बार पुनः जय माता दी बोलते हुए सारे भाइयों को ढेरों सारी शुभकामना बधाई दे रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।